Hello learners, good morning and welcome to this session of Testbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty and these are the timings of my free live sessions. Learners, give me a quick confirmation if everything is fine at your end. Good morning Anjana, hello Nick, hi Ishita, good morning Tanisha, hi Dipankar, very good morning. Learners, join in quickly. We'll be discussing few questions and a couple of questions which has come for the challenge. So, फटाफट से session को join कर लीजिए. Like the session as a mark of your attendance. Do share and subscribe to our channel and do follow my Telegram channel so that I can keep sharing all the sessions PDF on that very channel. Hello, Biswas. Good morning. कितना ज़्यादा cut off? शाजिया कट ऑफ की भी बात करेंगे हम अभी. स्टे कनेक्टेड. गुड मॉर्निंग. हाय सावित्री, वेरी गुड मॉर्निंग. तीन क्वेश्चन चैलेंज इन शिफ्ट वन. सौरभ प्लीज शेयर द क्वेश्चंस अलोंग विद द शिफ्ट नेम सो दैट वी कैन टेक इट अप. आई हैड रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स, जितने मेरे पास क्वेश्चंस डाउट वाले क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने अभी अपने सेशन में इंक्लूड कर लिया है. स्टिल आई कीप हमारे चैनल पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए. ड्यूरिंग द डे वील बी टेकिंग अप इट अगेन. राइट. जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उन्हें कैसे मिलेगा पेपर? प्रिया, इन दैट केस सी वील बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस. काफी क्वेश्चंस हम कवर करवाएंगे. सो पेपर वन के तो अगर हम बात करें सो वील बी गेटिंग एनी विच वेज. बहुत जल्दी आपको आपके सब्जेक्ट का भी पेपर शेयर हो जाएगा. ठीक है. ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ का चांस है. यस शाजिया, विल जस्ट कवर दैट आल्सो. आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है पूनम. आंसर की डाउनलोड करने में कल थोड़ी रात में प्रॉब्लम हो रही थी बट आज बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है. सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई इट अगेन एंड आई एम श्योर इट विल बी डाउनलोडेड. ठीक है. सो लर्नर्स क्विकली लाइक द सेशन. फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए. हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जिनको चैलेंज करने की जरूरत है या बच्चों ने जिस पे डाउट रेज किया है. ठीक है. सौरभ थोड़ा डिटेल में चाहिए होगा. यस, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू ऑल द क्वेश्चंस. सो जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल पे आप हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या क्वेश्चंस दे दीजिए तो हम उसे अपने सब्सिक्वेंट सेशन में टेकअप कर लेंगे. ठीक है. निक, मुझे पूरा क्वेश्चन दीजिएगा ना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी वाला. सी व्हाट हैपेंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको बार बार पढ़ के उसमें से हम खोज के निकालते हैं कि क्या कारण है जो एनटीए ने सही मार्क किया है और क्या उसे चैलेंज करना सही रहेगा. ठीक है. सो माई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज प्लीज शेयर द क्वेश्चंस विथ द आंसर की इफ पॉसिबल सो हम अच्छे से आपको असेस करके मदद कर सकेंगे. यस, थैंक यू सौरभ. आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट. सो लर्नर्स, दीज आर दी स्केड्यूल्स ऑफ आर लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन ऑन यूट्यूब. सो वी आर गोइंग टू टेक अप दिस क्वेश्चन विच हैज कम अप फर्स्ट. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या होना चाहिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर. सो यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी and deemed university can design their own syllabus and coursework. क्या होना चाहिए learners इसका आंसर? Everybody. दीपमाला, evening तक Hina ma'am will take up the education का paper and she'll be discussing and she'll surely be sharing the cut-off. But yes, अभी तक जितने inputs आए हैं cut-off relatively कम जाना चाहिए क्योंकि marks कम pull हुए हैं. ठीक है. Yes, everyone. What should be the right answer? I hope the screen is visible. Everybody, a quick confirmation. Yes, and quickly like the session. Yes. So यहाँ पे गवर्नर जो होता है स्टेट का वो चांसलर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का और डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास पूरी ऑटोनोमी रहती है कि वो अपना कोर्स वर्क, अपना सिलेबस को डिजाइन कर सकते हैं. राइट. इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था जिसमें एक और ऑप्शन था
जिसमें ये मेंशन था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री देती है या डिप्लोमा देती है, राइट? उस पर कुछ डाउट करके स्टेटमेंट आया था। स्क्रीन बेटा यही हमारे पास है, थोड़ा आप उसे इलाबोरेट कर लीजिए क्योंकि हमारे पास भी स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। आई एम रीडिंग इट लाउड। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। ठीक है, ओके। सो फॉर दिस एज वी हैव सेड बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दे डू ग्रांट डिप्लोमाज एंड नॉट डिग्रीज। सो कोर्स वर्क वो अपना बनाते हैं, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनके पास ऑटोनोमी होती है। किस किस चीज की? फी की, कोर्स स्ट्रक्चर की। यहाँ पे जो कोर्स वर्क लिखा है, व्हाट डज इट मीन इज कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यस। स्क्रीन एक आध क्वेश्चंस में थोड़ा क्लियर नहीं है, प्लीज बेयर विथ इट बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव बीन गेटिंग इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, देवशीष वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इज दिस क्वेश्चन विजिबल एवरीवन? द नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज कम अप फॉर विथ डाउट। सो दो बच्चों ने ये क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे लॉजिक इक्विवेलेंट। ठीक है, यस। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट A which says no aeroplane are electric vehicles, all non-electric vehicles are non-aeroplanes, no electric vehicles are aeroplanes and all aeroplanes are non-electric vehicles. तो कौन से दो related हैं? Everyone? वैशाली जब आप चैलेंज करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, अभी जैसे आई टेक अप अनदर क्वेश्चन जो कि एलिजिबल है टू बी चैलेंज्ड। ये तो डाउट्स वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हैं तो अगर वो क्वेश्चन सही फाइंड आउट होता है तो आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इट्स स्टिल नॉट क्लियर, ओके। सो लर्नर्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, मे बी आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू इन द टेलीग्राम। ठीक है, ये मुझे स्टूडेंट्स के पास से मिला है, बी इज द राइट आंसर। सो दो स्टूडेंट्स ने दिया था ये क्वेश्चन। सो एक स्टूडेंट का सही था, दूसरे को डाउट था, तो यस सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेल टेलीग्राम में आई विल बी शेयरिंग। एक ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू टू आंसर दिस। Which commission of education in India expressed the opinion that to avoid famine in the country, the production of food must be doubled in the next 15 years and maintain an adequate growth thereafter? Is this question visible? Hi Shireen, Dipankar, ye question visible hai? Yes, everyone. Now, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964, राधा कृष्णन कमीशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948। थोड़ा ध्यान से देखिए, इफ यू कैन मैनेज टू क्लियर, लुक इट एट अ बेटर लुक, इज इट विजिबल? I think now it's visible. Yes, so ये question हमें जिनके भी ये exam में आया है, you can take it better. अब देखो यहाँ पे क्या है option? Third और fourth option को देखो मिर्जा, third and fourth option जो key में दिया हुआ है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों ऑप्शंस में? अभी दिख रहा है? यस आई हैव ज़ूम्ड इट, क्योंकि वो पहले वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही ब्लर थे। सो ये इसमें क्या कैच है, कैन एनीबडी टेल मी? सत्यवती दिख रहा है?
यस, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेम। राधा कृष्णन कमीशन बोले या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 बोले, ये जिसके भी पेपर में क्वेश्चन रहा होगा आप इसे प्लीज चैलेंज कर दीजिए। अगर आपने 3 मार्क किया है या 4 मार्क किया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मिल जाएगा। यस एग्जैक्टली राइट, यस। सो 3 एंड 4 बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो उनकी जो लिस्ट आई है कि आंसर की में 4th हैज बीन मार्क्ड करेक्ट, बट बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, सो जिन किसी के भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है, इसे प्लीज चैलेंज कर दीजिएगा। बिकॉज अगर हम बात करें राधा कृष्णन कमीशन की या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 की, इस कमीशन ने एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर स्टडीज को लेके बात की थी। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हम एग्रीकल्चर के कोर्सेज करते हैं उसके रेफरेंस में ये बात कही गई थी कि जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्योंकि ये 1948 की बात है, तुरंत हमारी कंट्री फ्री हुई थी, सो इट वॉज सजेस्टेड कि अगले 15 साल में हम अपना फूड का प्रोडक्शन अगर डबल कर देंगे तो हमें किसी तरह की फेमिन को फेस नहीं करना होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? 200 देनी पड़ती है चैलेंज करने के लिए, अजय 200 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, यस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो अगर ये क्वेश्चन आपके किसी के भी शिफ्ट में आया है तो इसे आप लोग चैलेंज कर देंगे। तो चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जहां आप काफी श्योर हैं और ये गलती वहां से हुई है। ठीक है, यस, पर क्वेश्चन, यस, 200 आईवी 200। आई होप इट इज क्लियर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। यस, अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट वॉज कोग्निटिव अप्रेंटाइस मॉडल। इस पे भी कुछ डाउट्स हैं, हम एक बार बात करेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को, एक बार कंफर्म कीजिए। यस, ओके, सो चाइल्ड मॉर्टिलिटी वाला निक मेरे पूरा क्वेश्चन शेयर कर लीजिए, मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन शेयर कर लीजिए, बिकॉज ऑप्शंस क्या है वो बहुत अच्छे से देखना होता है। ठीक है, इज इट विजिबल नाउ? तो हरिलाल आ गया, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं, सारी कीज आ गई हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ, स्टिल बेटर। अब यहां पे आपको कोग्निटिव अप्रेंटाइसशिप मॉडल के बारे में बात की गई है। ठीक है, कोग्निटिव अप्रेंटाइसशिप मॉडल की बात की गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी ये शायद पॉल साइंस, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो चैलेंज करने की बात कर रहे, शायद ये पॉल साइंस का है, बट चूंकि मेरे पास पूरा कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, आई कैन नॉट टेल, प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, टेलीग्राम पे आप लोग मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मैं कल शाम से जैसे ही की आई थी, मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट की थी, जिनके मेरे पास आए हैं, और क्योंकि आप, मैं एक्सेस करने के लिए मुझे वो चाहिए ना कोड, तो वो आप ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो वंस आई गेट इट आई विल इनकॉर्पोरेट इट। ठीक है, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। कोग्निटिव अप्रेंटाइसशिप मॉडल क्या होता है क्लासरूम सिचुएशन में? सो यहाँ 4 ऑप्शन है, क्या होना चाहिए सही आंसर एवरीवन? यस एवरीबडी, and all those students who are watching the session, please like the session as a mark of your attendance. Okay, so I hope aap logo ne solve kijiye isko. Cognitive apprenticeship model classroom situation mein kahan se shuru hota hai? Okay, so learners, the correct answer for this is, the student jisne mujhe provide kiya hai usne bhi 4 diya hai, but pehla option correct hai. क्यों? क्योंकि मॉडलिंग से शुरू होता है, मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग, ये बिल्कुल अप्रेंटाइस मॉडल के इनिशियल एस्पेक्ट्स हैं, और इसी वजह से फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन बाद की चीज होती है। तो जब हम
कोग्निटिव अप्रेंटाइसशिप का क्या मतलब होता है? कोग्निशन के अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको सेटअप, उसके राइट फ्लो की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम थॉट प्रोसेस को मॉडल करते हैं, उसको सही तरह से कोच करके, स्कैफोल्ड करके, आर्टिक्यूलेट करके, रिफ्लेक्ट करके एक्सप्लोर करते हैं, राइट? तो पहला ऑप्शन इज द राइट वन. सो श्वेता, 19 क्वेश्चंस तो लो है, डिपेंड करता है आपका सेकंड में कितना गया है, पेपर टू में कितना गया है, ठीक है? सो इसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? सो मॉडलिंग से शुरुआत होती है. कोई चीज को क्या करते हैं, पहले आधार देते हैं, है ना, कोई शेप देते हैं, मॉडल करते हैं, फिर कोच करते हैं, फिर उसी लाइंस पे तैयार करते हैं, एंड सो द कोग्निटिव एंड मेटाकोग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस. ओके, आई टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? आप लोग इनको सॉल्व जरूर कीजिए, अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? कट ऑफ निखिल, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को टीचर्स बताएंगे. देखिए, मेरे साथ तो पेपर वन का है, सो पेपर वन अलॉन्ग प्लस पेपर टू कितना जाएगा, बट येस, अभी तक मेरी जिनसे भी बात हुई है, कट ऑफ रिलेटिवली कम होगा इस बार, बिकॉज स्कोर्स कम गए हैं. सो बहुत कम रिलेटिवली, अगर हम लास्ट टाइम से बात करें, कंपेयर करें, तो इट इज़ क्वाइट लेस. सो लेट्स बी होपफुल. Yes, so what will be the right answer for this question, learners? अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस में, okay, अजय, I'll just refer it after taking up these questions. So, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को? टीचर ग्रेड्स देता है, टीचर क्लैरिफाई करता है डाउट ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एवरी 6 मंथ्स, टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स. सो बाकी 3 चीजें जो हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द समेटिव, राइट? सो कौन सा हमारा फॉर्मेटिव कौन सा आएगा? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, राइट? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन लर्नर्स. जिन जहां पे टीचर डाउट को क्लैरिफाई करती है क्लास में ही. सो सिंस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये ड्यूरिंग द कोर्स होता है, सो ये बिल्कुल सही है, ठीक है? और यही मार्क भी किया गया है बाय एनटीए, सो दिस इज नथिंग टू बी चैलेंज्ड. दिस क्वेश्चन हैज कम अप फ्रॉम 2 स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम हैज मार्क्ड करेक्ट एंड द अदर हैज मार्क्ड सम अदर ऑप्शन, ठीक है? सो 2 इज द राइट आंसर. हाँ, बाकी सारा समेटिव है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग का कौन कौन सा की एलिमेंट्स है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? सो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. ग्रुप्स जिसमें हाई, एवरेज और लो अचीवर्स होते हैं, हेट्रोजिनस ग्रुप होता है, क्या वो कोऑपरेटिव लर्निंग में ट्रांसलेट करता है? स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर अकेडमिक मटीरियल, या रिवॉर्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड, स्टूडेंट्स रिसीव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम टीचर्स. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा कोऑपरेटिव लर्निंग का? यस प्रिया, फॉर्मेटिव इज ड्यूरिंग. यस सोनाली, ये सारे क्वेश्चन एक बार आंसर करेंगे, ये सारे इसी साल के क्वेश्चन हैं. सो यस, वी कैन डिस्कस दीज, अगर कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर करेंगे. फ्रेंड्स, कौन से शिफ्ट का पूछ रहे हैं? अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली पूछेंगे तो आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा. आप लोग देखिए क्या करना है, आपने आंसर शीट आ गई है, उसमें मेंशन किया रहता है कि आपने क्या आंसर दिया है, ठीक है? आप अपना डाउनलोड कीजिए और जो आंसर शीट की अपलोडेड है उसे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसको टैली करना है,
अगर मान लीजिए आपका आंसर नहीं सही बन रहा है तो एनटीए ने क्या दिया है, और उसके बाद अगर आपको उसमें डाउट होता है देन वी टेक इट अप फॉर चैलेंज, ठीक है? यस, सो जिन्होंने भी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव कम अप विथ बी, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. सो बी इज द राइट आंसर. यस लर्नर्स, बी इज द राइट आंसर. वेयर इन हम यहां क्या करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग हमेशा से हेट्रोजिनस ग्रुप्स में होती है, हर तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है? सो इट इज ग्रुप जो होता है वो हाई एवरेज और लो अचीवर्स का रहता है, और स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में वर्क करते हैं ताकि वो एकेडमिक मटेरियल को मास्टर कर सके. तो यस, बी इज द राइट ऑप्शन. अनदर क्वेश्चन, यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू प्रमोट वंस ओन कॉज अप्रोप्रिएटली इन अप्रोप्रिएटली इज डिस्क्राइब्ड एज, क्या कहते हैं उसको? अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च का इस्तेमाल किया अपने किसी कॉज को गलत तरीके से प्रूव करने के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे? इज इट इम्प्रॉपर साइंस, अनसाइंस, रूटीन साइंस और जंक साइंस? यस एवरीवन, हाय यास्मिन, हेलो आयुषी. सो ये क्वेश्चन आंसर कीजिए एवरीवन, ऑल दोज हु आर वॉचिंग. यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च का इस्तेमाल किया अपनी कोई बात को गलत तरीके से प्रमोट करने के लिए तो उसे हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? इम्प्रॉपर साइंस, अनसाइंस, रूटीन साइंस और जंक साइंस? सो ऐसा शायद रीड करने में हमें लग रहा है कि हम उसे इम्प्रॉपर साइंस कहते हैं, बट लर्नर्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जंक साइंस, ठीक है? जंक साइंस का मतलब होता है एक ऐसी रिसर्च या ऐसा कुछ क्लेम्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो कि प्रैक्टिकली फ्रॉडुलेंट है, ठीक है? सो कोई ऐसी चीज कहना जिसको हम अपनी बात पूरी करने के लिए कह रहे हैं, उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिकल चीज नहीं है, सो उसे हम कहते हैं जंक साइंस. इज इट क्लियर? बिना क्लेम के आयो क्वेश्चन सुधारता नहीं है. नो पवन, यू हैव टू रेज द इशू. अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अपने आप हो जाएगा तो दैट डजंट मैटर्स, आपको वो हाइट तभी तो चैलेंज करने के लिए, चैलेंज का समय कब तक है? दो दिन का समय दिया हुआ है, कल रात में अपलोड हो गई थी आपकी आंसर शीट, आज का दिन है और कल का दिन है, कल रात तक आई थिंक 11:50 इज द टाइम आपको जो चैलेंज का टाइम मिला है, आंसर की को तो चैलेंज करने का जो टाइम मिला है दैट इज टिल 25th मार्च रात 11:50 इफ आई रिमेंबर राइट. Everyone to please confirm. ठीक है, तो that is by the end of the day. Tomorrow आपको किसी भी हाल में आपको जो doubt लग रहा है उसे challenge कर दीजिए, अगर challenge नहीं कीजिएगा तो they are not going to work on it. ठीक है, is it clear everybody? Yes, बिल्कुल प्रिया. पवन, is your doubt clear? So, क्या करना है आप लोगों ने, ये जिन students ने इस साल एग्जाम दिया है, अभी लास्ट बैच जो खत्म हुआ है यूजीसी नेट का, आपने एग्जाम दिया है, आप अपनी आंसर शीट डाउनलोड करेंगे, कल रात में आंसर शीट हैज बीन अपलोडेड, तो आपको पहले क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर और क्रेडेंशियल्स डाल के आंसर शीट को डाउनलोड करना है, ठीक है? और उसी सब्जेक्ट की सिमिलर लाइन्स पे की हैज बीन अपलोडेड, की हैज बीन अपलोडेड बाई NTA. आपकी जो आंसर शीट है जब आप उसे डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें कुछ इस तरह से दिखाएगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिया, एक स्टूडेंट का लिया है आंसर गिवन बाई कैंडिडेट. तो जब आप अपना एग्जाम दे रहे थे आपने जो भी क्वेश्चन मार्क किया था उस वो दिखाएगा, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है और इसका की में आंसर 3 दिया हुआ है और आपने 2 दिया है और 2 आंसर करेक्ट है, उस केस में आपको चैलेंज करना है, 200 रुपीज के रेट से आप चैलेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? महफूज, इसी के लिए तो सेशन कराया जा रहा है. आपने मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है? अब आपको लगा जब आप आंसर कर रहे थे आपको लगा कि सेकेंड वाला आंसर जो है वो सही है, आपने सही मार्क किया, आप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां नीचे दिखाएगा कि कैंडिडेट ने क्या आंसर किया है.
साथ ही साथ एनटीए ने की अपलोड की है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की. से फॉर एग्जाम्पल आपका एजुकेशन है, ठीक है. सो एजुकेशन की पेपर वन और पेपर टू की आंसर की हैज बीन अपलोडेड, जिसमें क्वेश्चन आईडी रहता है, ये आपका क्यू आईडी रहता है, और जिसके चार ऑप्शंस होते हैं उसका करेक्ट ऑप्शन जस्ट उसके बगल वाले फील्ड में रहता है, ठीक है. ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन लिखा रहेगा. तो जो भी, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 37926. कैन यू ऑल सी दिस, 37926 हैज बीन मेंशनड. और अगर आप यहां पे, जैसे हम कह रहे हैं मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, ये वाला 37927, मगर आपने मार्क किया है 2, है ना, और आंसर हमने आज डिस्कस भी कर लिया है कि 2 ही सही है, उस केस में हम करेंगे इसे चैलेंज. इज इट क्लियर नाउ, महफूज ये कंसेप्ट समझ में आया? अजय, अगर क्वेश्चन चैलेंज कोई भी कर देता है तो हर कोई जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट चला जाता है, ठीक है. मान लीजिए अजय ने ये क्वेश्चन, ये जो हम क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया कि भाई इसका आंसर 2 होना चाहिए, यूजीसी के की में 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और इट वॉज फाउंड टू बी करेक्ट, क्योंकि चैलेंज हम करते हैं तो उसके पीछे पूरा लॉजिक रहता है. और अगर वहां पे क्रॉस चेक करने के बाद ये समझ में आ जाता है कि 2 इज द राइट ऑप्शन, तो हर वो स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसके पहले आंसर की में वो गलत दिखा रहा था, फाइनल रिजल्ट में वो सही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. हाँ, अगर सही निकला तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, मगर ये सोच के मत बैठे रहिएगा कि कोई तो चैलेंज करेगा. आई होप इट इज क्लियर अजय, राइट? यस. सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको करना है. हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हो तो नंबर समझ नहीं आते हैं. बिल्कुल सिंपल सा चीज है, अपने क्रेडेंशियल्स डाल के आप आंसर शीट डाउनलोड कीजिए. आंसर शीट में आपके आंसर्स दिखाए जाएंगे, उसको एक तरफ रख लीजिए, साथ में आपका की मिल जाएगा. पहले उसको बनाइए कि की के साथ कौन सा मैच कर रहा है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है. आंसर की मिल जाएगी शिवानी, इट्स देयर. हाँ, क्योंकि कल नहीं मिल रही थी, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द साइट, बट नाउ इट इज अवेलेबल, ठीक है. सो दिस वी हैव कवर्ड, इट टॉक्स अबाउट द जंक साइंस, ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च, तो इसे सॉल्व भी करेंगे. पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च, सो गुड पार्टिसिपेंट, नेगेटिव पार्टिसिपेंट, फेथफुल पार्टिसिपेंट, अप्रीहेंसिव एंड ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स. सो डेफिनेशन के हिसाब से रिसर्च में जो सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं. सो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज में उसे कैटेगराइज करते हैं. यस, बिल्कुल एग्जाम पेपर आएगा, हम सॉल्व कराएंगे, दैट इज द रीजन आई एम हियर. सो प्लीज डोंट वरी, क्वेश्चंस हमें जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे. और अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्नर्स, आप लोग ने क्वेश्चंस कुछ देखे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है ना. एंड विद द न्यूली अनाउंसमेंट, जहां पे ये बात कही जा रही है कि सिर्फ नेट के आधार पर आप यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, ये अनाउंसमेंट आने के बाद नेट का एग्जाम का स्तर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाएगा. सो माय रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. सुपरफिशियली मत पढ़िए, 6 महीना अगर आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए. दैट्स अ गुड थिंग दैट साल में हमें 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, ताकि अगर एग्जाम में फ्लूक भी चले, अगर आपको तुक्का भी चलाना पड़े, गेस वर्क भी करना पड़े, तो देर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड, है ना. कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिल्कुल अलग सा आ जाता है, तो वहां जो हमारी इंसाइट काम करती है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करती है, ठीक है ना. हाँ, नेगेटिव पार्टिसिपेंट के अलावा सब सही लग रहा है, फिर से सोचिए, नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं. रेनू,
बिल्कुल नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, देयर आर गुड पार्टिसिपेंट्स. आप देखिए, जब आप क्वेश्चनेयर लेके अगर कहीं जाते हैं फिल करवाने के लिए, वो नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं जिनकी वजह से आपकी कई बार स्टडी नीचे चली जाती है. ठीक है, भूपेंद्र, आई विल टेक योर क्वेश्चन. द वैलिडिटी ऑफ नेट इज फॉर लाइफ टाइम. वंस इन यू नो इंटायर योर एकेडमिक करियर यू हैव टू क्लियर नेट. अगर आपका जेआरएफ होता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है. अदरवाइज दैट फेलोशिप गेट्स यू नो इट इज बीन वेव्ड, इट्स नॉट बीन गिवन. सो 2 साल का जो साइकिल होता है उसके अंदर अंदर आपको जेआरएफ में किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन एज अ पीएचडी कैंडिडेट कराना होता है. आई होप ये आप लोग सबको कंसेप्ट पता है. नेट जेआरएफ जब हम देते हैं तो अगर आपने नेट क्लियर किया तो दैट इज वन टाइम लाइफ टाइम सर्टिफिकेट. आप एलिजिबल हैं फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ आर कंट्री. ठीक है, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाज मैंडेटरी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो जेआरएफ का क्या मतलब होता है, फेलोशिप. तो बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि हम पीएचडी नहीं करेंगे तो क्या हमें फेलोशिप मिलेगी. तो आंसर इज नो. अगर आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन में इनरोल होना होता है और तभी यह फेलोशिप रिलीज होती है. ठीक है राकेश, क्वेश्चन पूरा एक बार भेज दीजिए सो दैट आई कैन क्रॉस चेक एंड ड्यूरिंग द डे आई विल ट्राई टू कम अप अगेन विद द क्वेश्चंस. सो यस, ठीक है. नहीं, उसका कैसे आंसर शीट शो करेगा शिव सीमा, जो एग्जाम नहीं देने गया है. ठीक है, उसका नहीं शो करेगा. राइट, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, वी हैव गुड पार्टिसिपेंट्स, वी हैव नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स एंड वी हैव फेथफुल पार्टिसिपेंट्स एंड लिटिल अप्रीहेंसिव, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रेडिशनल पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, हाँ, इसी वजह से नहीं दिख रहा है सीमा. चलिए एक और क्वेश्चन आई थिंक आई हैव गॉट, जो मेरे स्लाइड में इंक्लूडेड है, वी कैन टेक इट. समेटिव इवैल्यूएशन इज ऑल्सो नोन एज, समेटिव इवैल्यूएशन को हम और क्या कहते हैं. अब आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है. आपने समेटिव का कंसेप्ट पढ़ा है, फॉर्मेटिव का कंसेप्ट पढ़ा है. तो यहां बात कर रहे हैं कंटेंट की, यहां बात कर रहे हैं प्राइमरी की, यहां बात कर रहे हैं कॉस्ट की और यहां बात कर रहे हैं इंपैक्ट की. किसका प्रभाव पड़ेगा, समेटिव का या फॉर्मेटिव का, एवरीवन. राकेश, द टेलीग्राम आईडी इज इन द लिंक ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा. राकेश, यस, एंड एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन. जो भी सेशन को देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब हम रेगुलर इस तरह से सेशंस लेके आएंगे, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. राकेश, वर यू एबल टू गेट द टेलीग्राम आईडी? ठीक है, क्या होना चाहिए इसका, कंटेंट से रिलेटेड इवैल्यूएशन, प्राइमरी इवैल्यूएशन, कॉस्ट इवैल्यूएशन और इंपैक्ट इवैल्यूएशन, व्हाट सीम्स टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. यस, सो दैट्स करेक्ट. बिकॉज इसका इफेक्ट आता है, बिकॉज इसका इंपैक्ट आता है, दिस इज एन इंपैक्ट इवैल्यूएशन. ठीक है, बिकॉज हम क्या बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. समेटिव इवैल्यूएशन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, बिल्कुल कोर्स के बाद में होता है, बाहरी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये ग्रेड्स देता है, मार्क्स देता है, रिपोर्ट कार्ड देता है. सो इसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, सो इट इज सेड टू बी एस इम्पैक्ट इवैल्यूएशन. ठीक है, जनरल कैटेगरी 190 मार्क्स, आर देयर एनी चांस ऑफ नेट. निमित, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? ओके, यस राकेश, उस पर डाल दीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें डाल दीजिएगा. ठीक है, यस, वील टेक अप इन द नेक्स्ट बैच. अभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम कवर कर ले रहे हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कंसेप्ट, पहली बार पूछा गया ये क्वेश्चन. वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन,
जो कम्युनिकेशन का भी हम क्या कहते हैं, एक हमारा ओरिएंटल कंसेप्ट है जो कि ईस्ट का है और एक वेस्टर्न कंसेप्ट है. तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन किस पे आधारित होता है? कलेक्टिविज्म पे, इंडिविजुअलिज्म पे, इंप्रेशनिज्म पे या एब्सोल्यूटिज्म पे? सो एवरीवन, निमित कॉमर्स, कॉमर्स का 190. ओके, लास्ट टाइम आई थिंक लिटल वी कैन, इट्स ऑन द फेंस. निमित, इट्स ऑन द फेंस, वी कैन बी होपफुल. कोई क्वेश्चन है चैलेंज के लिए निमित? कंटेंट इवैल्यूएशन सौरभ क्या करते हैं? कंटेंट इवैल्यूएशन किसको कहेंगे? फॉर्मेटिव को, क्योंकि उस समय हमें क्या चांस रहता है? कंटेंट को इंप्रूव करने का. ठीक है, तो वो ड्यूरिंग होगा, ड्यूरिंग द कोर्स. सौरभ इज इट क्लियर? यस प्रिंस, पॉल साइंस का थोड़ी देर पहले प्रद्युमन सर ने भी चेक कहा है. उनका मानना है 69% शुड बी द टेंटेटिव कट ऑफ प्रिंस फॉर यू. ठीक है, सर का एक बार सेशन जरूर देख लीजिएगा, उन्होंने पूरा एनालाइज किया है. नो क्वेश्चन फॉर चैलेंज, ओके, नेवर माइंड, बी इट्स लाइक इट्स ऑन द फेंस, लेट्स बी होपफुल. दिबिशीष, कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी फॉर एससी इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश के अभी तक हमारे पास इनपुट्स नहीं आए दिबिशीष, आई रिवर्ट. कॉमर्स का रिलेटिवली हाई जाता है निमित, बट स्टिल मार्क्स अच्छा है, वी कैन होप. ठीक है सौरभ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? कंटेंट राइट? हाँ, इसका क्वेश्चन बताइए, इसका क्या होगा प्रिया? वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन किस चीज पे आधारित है? यस, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्या वो कलेक्टिवली चीजों पे बात करते हैं, इंडिविजुअल चीजों पे बात करते हैं, इंप्रेशन से रिलेटेड बात करते हैं, या एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करते हैं? So I'm not getting answers from anyone. फटाफट से आंसर कीजिए everybody. Keep answering. प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है. Yes. So that's correct. क्योंकि individualism, individualistic values जो है वो western countries से associated हैं. ठीक है, because they don't believe in collectivism, they don't believe in absolutism. राइट, सो उनका अप्रोच जो रहता है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक रहता है. सो इंडिविजुअलिज्म इज सेट टू बी एज वेरी वेरी यूनिक एंड स्पेसिफिक टू वेस्टर्न कंट्रीज, और वही अगर ईस्टर्न कंट्रीज का रहता या ओरिएंटल कंट्रीज का रहता तो कलेक्टिविज्म वुड हैव बीन द आइडियल वर्ड. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबडी? यस, सो That's it learners. इतने questions मेरे पास आए थे, कुछ questions अभी आप लोग ने शायद during the session हमारे telegram channel पे डाले हैं, तो we'll take it up during the day. We'll be coming back with the analysis and discussion on the same. But my advice to you is कि आज इस पे लग के अपने questions निकाल लीजिए जो आपको challenge करने हैं, right? किसी और के भरोसे मत रहिए कि कोई challenge कर देगा. इट कैन बी अ गेम चेंजर, राइट? बहुत थोड़े से के लिए जो बच जाता है वहां पे इट कैन बी अ गेम चेंजर. सो जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस बच्चों को डाउट थे हमने क्लियर कर दिए हैं, जो भी आपको डाउट लगता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर वन का आप मुझे और प्रीति मैम को भेज सकते हैं, एंड बाकी सब्जेक्ट्स का रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स को भेज सकते हैं. दे आर गोइंग टू टेक इट अप. जितना ज्यादा आपका इनपुट आएगा उतना उनके लिए भी आसान होगा, है ना? सो वी आर गोइंग टू कवर इट ऑल. थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड यू लाइक द सेशन. सो लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हमारी 12 बजे होगी टेक्स्ट बुक ऐप पे. सो वील कनेक्ट एट 12:01. ठीक है, चलो, टेक केयर.